एक्टर फैजल खान और उनकी मॉडल कम एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड मुस्कान कटारिया के ब्रेकअप की न्यूज तो हमने आपके साथ शेयर की थी, जहां मुस्कान इसके बाद बीटी को दिए इंटरव्यू में खुलकर बाहर आई हैं और उन्होंने कहा फैजल मुस्कान को चीट कर स्नेहा बाग के साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट मुस्कान ने ये भी क्लेम किया कि नच बलिए के दौरान फैजल उन्हें डबल क्रॉस कर रहे थे, जहाँ एक तरफ तो वो स्नेहा बाग के साथ अपनी नजदीकियाँ रख रहे थे, वहीं मुस्कान कटारिया को डेट करने की बात थी। जब ये बात मुस्कान को पता चल गई तो उन्होंने फैजल से रिश्ता तोड़ दिया। वहीं इन सारे रूमर्स पर फाइनली स्नेहा बाग ने भी एक लीडिंग डेली को दिया इंटरव्यू में बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं उस लड़की को तो जानती तक नहीं, फैजल के साथ मैंने काम किया है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप किसी के अच्छे फ्रेंड हों। मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा जी जान से खड़ी रहती हूँ। इसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया से छुपी हुई नहीं है। मैं जिसके लिए जो भी फील करती हूँ वो ओपनली एक्सप्रेस करना पसंद करती हूँ। इस बंदी को तो मैं जानती तक नहीं और इसके साथ ना ही मेरा कोई भी रिश्ता है, ना ही फैजल के साथ उसका रिश्ता जुड़ने में और ना ही फैजल के साथ इसका रिश्ता टूटने में भी। 32 साल की स्नेहा बाग चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में फैजल खान की ऑन स्क्रीन मदर का रोल प्ले कर रही थी। स्नेहा इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती कि वो और फैजल काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। फैजल के नच बलिए के दौरान हुए इंजरी में भी स्नेहा ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज फैजल के लिए लिखा था, जिस मैसेज से उनके गहरे बॉन्ड का पता चलता है। लगता है मुस्कान को ये डीप फ्रेंडशिप कुछ खासी समझ नहीं आई। इससे अच्छा नहीं होता कि वो फैजल से खुलकर बात करती और कन्फ्रंटेशन लेकर आती। वेल, लेट्स सी वेयर दिस फियास्को गोज। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने फेवरेट शो और स्टार्स रिलेटेड अपडेट के लिए आप करें रिश्ता टीवी का को अभी सब्सक्राइब।